Go Buster! चमकीला धूप वाला दिन है और बस्टर बाहर खेलना चाहता है, पर यह क्या है? उसने अपने खिलौने फर्श पर छोड़ दिए हैं। बस्टर जानता है उसे उनको उठाना चाहिए, पर वो सच में जाकर खेलना चाहता है। वो बस्टर शीघ्रता से सारे खिलौनों को उठा रहा है, पर अच्छे से नहीं। ओ प्रिय, उसने उस शीशे को तोड़ दिया और अब उसके पोंछने से चारों ओर पानी फैल गया। शीघ्र ही बस्टर बाहर खेल रहा है। वो क्या था? मम्मी पानी पर फिसल गई। ओ प्रिय, कमरा बहुत बिखरा हुआ है। बस्टर अच्छे से साफ ना करने के लिए दुखी है, पर वो इसे बेहतर कर सकता है। उसे केवल अच्छे से साफ करना होगा और अच्छे से करने के लिए समय निकालना होगा। मम्मी और बस्टर इसे एक साथ कर सकते हैं, जैसे कि यह कोई खेल हो। काम करना बहुत सरल हो जाता है जब तुम उन्हें करने में मजा ढूंढ लो, और वो तीव्रता से होते हैं यदि तुम साथ साथ करो। ये लो, बस्टर उस ड्रिंक को भी साफ कर रहा है जो उसने गिरा दिया था। उत्तम, कमरा अब साफ लग रहा है। अब मम्मी और बस्टर गेंद से साथ साथ खेल सकते हैं। हुर्रे! शाम का समय है और बस्टर का भाई बैंडिट स्लीप ओवर के लिए आ रहा है। यह बहुत ही मजेदार होने वाला है। पहले स्नैक का समय है। मम्मी अलमारी से कुकीज उठा रही है। बस्टर और बैंडिट को कुकीज पसंद है। एक सबके लिए, स्वादिष्ट। अब मम्मी उन्हें वापस रख रही है, पर बैंडिट जानता है कि वे कहाँ हैं। बैंडिट और बस्टर साथ साथ खेलकर एक मजेदार शाम बिता रहे हैं, पर अब सोने का समय है। वे अधिक देर तक जागना चाहते हैं, पर मम्मी मना कर रही है। मुझे लगता है बैंडिट के पास एक युक्ति है। अब हर कोई गहरी नींद सोया है, पर ये क्या है? बैंडिट जाग रहा है, बस्टर भी। वो सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। आह, बैंडिट कुछ और कुकीज चुराने जा रहा है। यह तो बहुत शरारत भरी बात है। उप्स, मम्मी ने सुन लिया। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें उनसे यह आशा नहीं थी, उनको कुकीज चुरानी नहीं चाहिए थी, पर दोनों छोटी बसों को बहुत खेद है। अब वो सोने जाएंगी जैसा कि उन्हें बोला गया है। अगली सुबह मम्मी ने अच्छा सेहतमंद नाश्ता बनाया है। बस्टर और बैंडिट ने बस बहुत सी कुकीज खा ली। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। एश बस्टर के घर खेलने आ रहा है। वे कुछ बोर्ड गेम्स खेलने के लिए बहुत उत्साहित हैं। आज की गेम है सांप सीढ़ी। कितनी मजेदार है, और एश की पहली बारी है। 5 और 2, ये 7 हुए, इसलिए एश अपनी दीदी को 7 स्थान आगे ले जाता है। अब बस्टर की बारी है। 8, ये चली गीटी। अब फिर एश की बारी है। ओ वाह, उसने अच्छे से पासा फेंका। वो सीढ़ी चढ़ रहा है। अब बस्टर, 5। ओ प्रिय, उसे सांप ने काट लिया। बस्टर अच्छा नहीं खेल रहा।
उप्स, उसने अपनी गीटी को गिरा लिया। वो क्या है? ये दादाजी आ रहे हैं खेलने के और ढेरों खिलौनों के साथ, पर उन्होंने सभी को गिरा दिया। ऐश उन्हें उठाने में सहायता कर रहा है, पर कोई बस्टर को नहीं देख रहा। ओ नहीं, उसने अपनी गीटी को ऊपर कर दिया, पर ये तो धोखा है। ओ नहीं, वो इसे अंतिम रेखा तक ले गया, जैसे कि वो गेम जीत गया हो। अब ऐश वापस आया, लगता है गेम समाप्त हो गई है, बस्टर जीत गया। ऐश को समझ नहीं आ रहा यह कैसे हुआ, पर वो अपने मित्र के लिए खुश है। यह अजीब है, बस्टर को जीतने पर खुशी होनी चाहिए, पर उसे सही नहीं लग रहा, बिल्कुल भी ठीक नहीं। बस्टर ने धोखा किया है, वो सही ढंग से नहीं जीता, इसलिए उसे सब गलत लग रहा है। पर दादाजी जानते हैं कि सब कुछ जीत ही नहीं होती, गेम को खेलना मजेदार होता है। और अब ऐश की बारी है। ऐश पासा फेंकता है, वो उसे बस सांप ने काट लेना था। बस्टर को एक और सांप ने काट लिया, और ये लो, ऐश जीत गया सही ढंग से। पर बस्टर अपने मित्र के लिए खुश है, उन्हें साथ में खेलकर बहुत मजा आया। बस्टर, स्काउट, बैंडिट और ऐश एक रेस लगा रहे हैं। बस्टर और बैंडिट साथ साथ दौड़ रहे हैं, पर स्काउट आगे निकल गई है। स्काउट जीत गई। अच्छा काम स्काउट, वह सच में बहुत तेज है। वो कैसी ध्वनि है? थंडर, एक तूफान आ रहा है। उन्हें छिप जाना चाहिए, वरना वे सभी भीग जाएंगे। वो ऐश कीचड़ से लग गया उस पोखर में से फिसलते हुए। एक मिनट रुको, इससे बस्टर को एक युक्ति सूझी। उन पोखरों में से फिसलना बहुत मजेदार है, वे खेल खेल सकते हैं, देखे कौन अधिक दूर तक फिसलता है। कितना अच्छा विचार है। सबसे पहले बैंडेड जा रहा है, वह वहाँ तक फिसला, पर स्काउट मानती है कि वह इससे बेहतर कर सकती है। रूम, वो स्काउट बैंडेड से भी आगे गई। अब ऐश की बारी है। ऐश इतना छोटा है कि वह गोल गोल घूम रहा है, उसका सर चकरा रहा है, पर वह अभी तक सबसे आगे गया है। सबसे अंत में बस्टर है। वुश, ओहो, वो नियंत्रण से बाहर होकर फिसल रहा है। वो, उप्स, बस्टर ने मम्मी पर कीचड़ डाल दिया। लगता है सभी छोटे वाहनों के घर जाने का समय है। वे शीघ्र ही बस्टर के घर आ गए, पर रुको, वे अंदर नहीं जा सकते जब तक वे साफ ना हो जाए। मम्मी कीचड़ को उतारने के लिए होस का उपयोग करने जा रही है। स्प्लिश स्प्लैश। ये लो, अब वे चारों फिर से साफ है। पर फिर भी वो फिसलने वाली रेस बहुत मजेदार थी। बस्टर और उसके मित्र इतने उत्साहित दिख रहे हैं, क्या हो रहा है? ओ वाओ, मम्मी ने उनके लिए एक ईस्टर अंडा शिकार आयोजित किया है। वो क्या है? मुझे लगता है स्काउट कुछ स्वादिष्ट चॉकलेट्स को लेकर बहुत उत्साहित है। रेडी एंड गो। हर कोई ईस्टर अंडे ढूंढ रहा है। उप्स, एक दूसरे से ना टकरा जाना। अच्छा है, ऐश ने उस पेड़ में एक अंडा ढूंढ लिया। वह वापस भाग कर इसे टोकरी में डाल रहा है, ताकि वे सभी इसे बाद में बांट सकें। अच्छा काम ऐश। ओह, मुझे लगता है बस्टर को भी एक अंडा दिख गया है। ये तो सिर्फ लपेटने वाला कागज है, चॉकलेट का अंडा कहाँ गया? बस्टर उदास हो गया। पर देखो, झाड़ी के पास एक और अंडा है। ये भी केवल लपेटने वाला कागज ही है, कोई चॉकलेट नहीं गया। बहुत अजीब है। ओ प्रिय, ऐश चिंतित है, उनको बांटने के लिए पर्याप्त अंडे नहीं मिले। पर कोई बात नहीं, उन्हें ढूंढते रहना होगा। यह क्या है? एक और खाली लपेटने वाला कागज। वो रहा बैंडेड, वो छिप रहा है, शायद वही सभी चॉकलेट चुरा रहा है। इसके पास कुछ अंडे हैं, पर देखो, वो उनको टोकरी में डाल रहा है। बैंडेड नहीं है जो उनको चुरा रहा है। देखो, वो स्काउट जा रही है, उसे पता होगा क्या करना चाहिए। पर रुको, क्या स्काउट के मुंह पर वो चॉकलेट लगा है? वही है जो सारे अंडे चुरा रही है। देखो, स्काउट को जो अंडे मिले उसने झाड़ी के पीछे छिपा दिए। उसे चॉकलेट इतना पसंद है कि वो सभी अपने लिए लेना चाहती है, पर उससे बुरा लग रहा है।
उसे पता है कि बाढ़ का खाना ही सही बात होती है। बस्टर ने उसे माफ कर दिया, पर उन्हें मुंह से वो चॉकलेट साफ कर लेना चाहिए। ये लो, मम्मी उनको बराबर बांट चुकी है। एश, बैंडिट, बस्टर, स्काउट, सभी को कुछ स्वादिष्ट ईस्टर अंडे मिलते हैं। बस्टर बहुत उत्साहित दिख रहा है। मैं सोच रही हूँ क्यों? कहानियों की एक पुस्तक। बस्टर चाहता है मम्मी उसके लिए पढ़े। बस्टर को एक अच्छी परी कथा पसंद है। मम्मी बस्टर को गोल्डीलॉक और तीन भालुओं की कहानी पढ़कर सुना रही हैं। जब भालू बाहर गए हुए थे, गोल्डीलॉक खिड़की के पास आई। उसने उनका दलिया खाया, पर पहला कटोरा बहुत गर्म था। बस्टर को यह बहुत मजेदार लगा। पर समय देखो, मम्मी पूरा दिन नहीं पढ़ सकती। बस्टर को बुरा लग रहा है, वो जानना चाहता है कि कहानी में आगे क्या हुआ। पर मम्मी जानती है क्या करना चाहिए। शायद दादाजी बस्टर के लिए पढ़ सकते हैं। दादाजी बाहर पौधों को पानी दे रहे हैं, पर बस्टर चाहता है कि वो कहानियों की पुस्तक से पढ़कर सुनाए। हाँ, दादाजी उसके लिए थोड़ी देर पढ़ सकते हैं। उसे महान दुस्साहस और बहादुर नायकों की कहानियाँ अच्छी लगती है। अब क्या हो रहा है? गोल्डीलॉक एक मेज पर बैठती है और वो टूट जाता है। कितना मजेदार है। बस्टर को यह कहानी पसंद है। पर वो क्या है? मम्मी कह रही है कि रात्रि भोज का समय हो गया है, बाकी की कहानी को प्रतीक्षा करनी होगी। बस्टर रात्रि भोज में कुछ फिश फिंगर और सब्जियां खाता है, पर वह उन सबको बहुत तेजी से खा रहा है। वो जितना शीघ्र हो सके कहानी पर वापस जाना चाहता है। मम्मी और दादाजी अभी भी खा रहे हैं, वो अभी उसके लिए नहीं पढ़ सकते। बस्टर सच में जानना चाहता है कि आगे क्या हुआ। देखो, वो स्वयं ही पढ़ने का यत्न कर रहा है। वो अच्छे से नहीं पढ़ सकता, पर वो सच में बहुत यत्न कर रहा है। वाह वाह कर रहा है। मम्मी और दादाजी उससे बहुत खुश है। अच्छा काम बस्टर। पर ओ प्रिय, अब उसे नींद भी आ रही है। मम्मी बस्टर के लिए पुस्तक को सोने के समय की कहानी के रूप में पढ़ रही है। अब गोल्डीलॉक भालुओं के बिस्तर में सोई हुई है, पर फिर ओह देखो, बस्टर सो गया है। ओह, उसका दिन इतना व्यस्त था वो अंत तक जाग नहीं सका। शुभ रात्रि बस्टर। स्कूल की छुट्टी हो गई है। स्काउट कक्षा फूल की देखभाल कर रही थी। अब किसकी बारी है इसे घर ले जाकर इसकी देखभाल करने की? हुर्रे, बस्टर की बारी है। उसे फूल को एक रात के लिए घर ले जाना है और इसकी अच्छे से देखभाल करनी है। स्काउट और ऐश को विदा करने का समय। वो ध्यान से बस्टर, तुम उसे गिराने वाले थे। बस्टर फूल की देखभाल करते इतना खुश है कि उसने फूल का चित्र बनाया है। वह उसे रात के खाने पर भी लाया है। मुझे नहीं लगता वह गाजर खाता है। बस्टर, इसे पानी चाहिए ताकि यह अच्छे से बढ़े। पर अब सोने का समय है। शुभ रात्रि फूल। अगली सुबह बस्टर स्कूल जाने के लिए बहुत उत्साहित है। पर ध्यान से बस्टर, तुम्हें फूल को गिराना नहीं है। पर ओ नहीं, फूल गिर गया है। पर बस्टर क्या कर रहा है? इसे छिपा रहा है और इसे डर है कि वह मुसीबत में पड़ जाएगा। बस्टर बीमार होने का नाटक कर रहा है, पर उसे बुखार तो नहीं। ओ, मम्मी अब समझ गई। बस्टर स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि फूल का गमला टूट गया है और वो सोच रहा है उसने सभी को निराश कर दिया है। पर मम्मी जानती है क्या करना है। वो फूल को बिल्कुल नए गमले में डाल देंगी। यह पहले से भी अच्छा लग रहा है। ये लो, बिल्कुल नए जैसा। बस्टर फूल को सुरक्षित कक्षा में पहुंचा देता है। बस्टर ने सभी को फूल के नए गमले से प्रभावित किया। अच्छा किया बस्टर। अब ऐश की बारी है इसकी देखभाल करने की। हुर्रे! बस्टर अपनी ड्रम किट से खेलकर बहुत मजा कर रहा है। उप्स, वो गई एक ड्रम स्टिक। यह मम्मी की ओर लुढ़क रही है। मम्मी क्या कर रही है? ओ, वो बस्टर के पुराने खिलौनों को निकाल रही है, वो वाले जिनसे अब वो नहीं खेलता। मैं सोच रही हूँ इनके भीतर क्या है। देखो, बस्टर का बेबी ड्रम, उसे वह याद है। अब मम्मी इसे गिराने जा रही है ताकि कोई और इसका उपयोग कर सके। बस्टर बहुत दुखी है। बस्टर के पास अब एक बड़ा और बेहतर ड्रम किट है, पर बस्टर अपने छोटे ड्रम को रखना चाहता है, वो छोड़ना नहीं चाहता। ये रही स्काउट अपनी डफली के साथ, वे बजाने आई है। हुर्रे!
थोड़े संगीत का समय है, बस्टर और स्काउट बजाने के लिए तैयार हैं। और ये रहा ऐश भी, वह सुनने आया है। अब बस्टर और स्काउट के पास श्रोता भी है, वो धमाल बजाने के लिए तैयार है। 1 2 3 4 अच्छा है, बस्टर और स्काउट सच में अच्छा बजा रहे हैं। तुम अच्छा कर रहे हो। स्काउट अपनी डफली हिलाती है, बस्टर ड्रम बजाता है। ओ, वो साथ ही अपने छोटे ड्रम को बजाने का भी यत्न कर रहा है। यह ठीक नहीं हुआ, वह एक साथ बहुत कुछ करने का यत्न कर रहा है। उप्स। आ, ऐश भी साथ बजाना चाहता है, पर उसके पास कोई वाद्य नहीं है और बस्टर के पास बहुत अधिक है। अब वो क्या करेगा? बस्टर अपना छोटा ड्रम ऐश को बजाने के लिए दे रहा है। अब ऐश भी साथ में बजा रहा है और वो तीनों मजा कर सकते हैं। तैयार, 1 2 3 4। ये लो, ये सुनने में पहले से भी अच्छा लग रहा है। दिन के अंत में ऐश ड्रम को वापस करने जा रहा है, पर बस्टर जानता है कि उसे दो ड्रम्स की आवश्यकता नहीं है। वो चाहता है ऐश उसे रख ले। ऐश बहुत खुश है, बस्टर ने कितना अच्छा काम किया। सोच रही हूँ आज स्कूल में बस्टर क्या सीखेगा। ओह, एक ज्वालामुखी, वाह। वे एक परीक्षण करने जा रहे हैं। अध्यापक उन्हें बता रहे हैं कि क्या करना है। पहले एक बूंद सफेद पाउडर, अब 3 बूंदे खाना रंगने की, अब इसे बुलबुलाता बनाने के लिए थोड़ा सिरका। वाह, यह पट्टे ज्वालामुखी के जैसा लग रहा है। अद्भुत है ना? हर कोई बहुत उत्साहित है, वे सभी अपने आप परीक्षण करने जा रहे हैं। क्या गड़बड़ है, लगता है बैंडेट ने सही ढंग से नहीं किया। ओ नहीं, स्काउट ने भी सही नहीं किया। शायद बस्टर ने भी औरों के जैसे ही गड़बड़ की। यह हो क्यों नहीं रहा? क्या ऐश इसे ठीक कर सकता है? बस्टर देखने जा रहा है। ऐश अभी भी सामग्री डाल रहा है। वो, यह हो गया। अच्छा काम किया ऐश। पर ऐश ने सही से कैसे कर लिया जो हर किसी का ठीक नहीं हुआ? ओ, उसने बोर्ड पर लिखे निर्देशों का पालन किया। कितना अच्छा विचार है। अध्यापक को ऐश पर गर्व है। अब दूसरे फिर से करने का यत्न करेंगे, पर पहले वे देखते हैं कि उन्हें क्या करना है। 1 बूंद सफेद पाउडर की, फिर 3 बूंद खाना रंगने की, फिर सिरका, इसे बुलबुलाता बनाने के लिए। हुरे, यह काम कर रहा है। सारे ज्वालामुखी उफन रहे हैं। कितने बढ़िया लग रहे हैं, है ना? सभी ने अच्छा काम किया। कितना अद्भुत कर सकते हो जब तुम निर्देशों का पालन करते हो। अध्यापक को सभी पर गर्व है। बस्टर और डैडी बस पार्क में दिन बिता रहे हैं। ओ, ध्यान से डैडी, वो एक दूसरे के साथ सॉकर खेलेंगे। शुरू करने का समय है। बस्टर गेंद पास करता है और ओ, लगता है डैडी को अभी यह अच्छे से नहीं आता, पर बस्टर उन्हें दिखाता है कि कैसे किया जाता है। पेनल्टी शूटआउट का समय है। बस्टर शूट करता है और वह स्कोर करता है। ओ नहीं डैडी बस, क्या आप ठीक है? वह ठीक है। अब बस्टर की बारी है गोल में खड़े होने की। डैडी निश्चित लग रहे हैं। उप्स, गेंद उड़ गई ऊंची हवा में। ओ देखो, यह ऐश और मम्मी फायर चेक है। बस्टर उनको गेम में आने के लिए आमंत्रित कर रहा है। अच्छा विचार बस्टर, यह बस बनाम फायर ट्रक्स है, आओ खेलते हैं। बस्टर गेम लेता है, ऐश आगे कूदती है, मम्मी गोल डालती है और वह चूक गई। मुझे लगता है बस्टर के पास एक और युक्ति है। मैं सोच रही हूँ वो क्या है। ऐश और बस्टर टीम बना रहे हैं। अब बच्चे बनाम माता पिता है, कौन जीतेगा?
ऐश शुरू करता है। डैनी गेंद को लेते हैं पर ऐश छीन लेता है। वह बस्टर को देता है और बस्टर स्कोर कर देता है। गो बस्टर! कितना बेहतर टीम वर्क था। वे दोनों बहुत थके हुए हैं और डैडी बस्टर को एक बहुत अच्छे दिन के बाद घर ले जाते हैं। ओ देखो, यह मम्मी बस है। बस्टर डैडी बस को विदा कहता है। पर रुको, बस्टर डैडी बस को सॉकर गेंद दे रहा है। उन्हें सच में अभ्यास की आवश्यकता। बस्टर और उसके मित्रों के लिए स्कूल में एक और मजे का दिन है। आज वे मदर्स डे कार्ड बना रहे हैं। देखो, अध्यापक उन्हें दिखा रहे हैं कैसे करना है। इसे आधा मोड़ो और एक तह लगाओ। अच्छा किया बस्टर, पर बैंडिट क्या कर रहा है? वाह, उन सभी सजावटों को देखो, आओ बनाएं। ओह, बैंडिट, उसने अपने कार्ड का एक कागज का विमान बना लिया और वह उड़ रहा है। बस्टर भी कुछ बना रहा है। ऊप्स, गोंद उसके पहियों से चिपक गई और अब ग्लिटर सब और बिखर गया। ओ प्रिय बस्टर, गोंद निकल नहीं रही। बस्टर गोंद को हटाने के लिए क्या कर सकता है? आहा, एक चम्मच। नहीं, इससे नहीं हुआ। ओहो, और अब चम्मच उसके दूसरे पहिए पर चिपक गया। बस्टर स्काउट से कुछ सहायता के लिए कहता है। स्काउट गोंद की बोतल को खींचती है। नहीं, यह भी नहीं हुआ। ओ नहीं, अब स्काउट भी फंस गई है। ध्यान से स्काउट। ओ प्रिय, यह योजना के अनुसार नहीं हो रहा। बैंडिट को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा है और बेचारे अध्यापक का ध्यान बैंडिट के विमान ने इतना पिटका दिया है कि उनको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। ओप्स, उन्होंने ऐश का पानी गिरा दिया। पर रुको, पानी से चम्मच ढीला हो गया। बस्टर के पास एक युक्ति है। ऐश अपने पाइप से गोंद को उतारने का यत्न कर रहा है। हुर्रे, इससे हो गया। ओह प्रिया, क्या गड़बड़ थी। मम्मी बस आ गई है बस्टर को घर ले जाने के लिए। और देखो, बस्टर ने विशेष मदर्स डे कार्ड दे रहा है। उन्हें यह बहुत पसंद आया। हैप्पी मदर्स डे मम्मी बस। दोबारा नहीं। बस्टर और दादाजी सुपरमार्केट में खरीदी करने जा रहे हैं। यह रही खरीदी सूची। गाजरे, स्वीट कॉर्न और एक नई सॉकर गेंद। बस्टर नई सॉकर गेंद के लिए बहुत उतावला है, पर दादाजी उसे याद दिलाते हैं कि पहले उन्हें बाकी सारी वस्तुएं लेनी है। शुरू करते हैं गाजरों से। बस्टर भागता है, पर क्या यह सही है? दादाजी इतने धीरे से चल रहे हैं। बस्टर ने केला उठा लिया है, गाजर नहीं। वह इतनी तेजी कर रहा है कि ध्यान नहीं दे पा रहा। वो रहे। अच्छा काम बस्टर। अब स्वीट कॉर्न उसने ढूंढ लिया। वूप्स, ध्यान से बस्टर, सारे कैनिस्टर गिर सकते हैं। वेव, ठीक बचा लिया दादाजी। आगे, ये सॉकर गेंद। बस्टर आगे बढ़ रहा है सॉकर गेंद को ढूंढने के लिए। पर रुको, दादाजी पीछे रह गए हैं। वह उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा। ओ नहीं, बस्टर और दादाजी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। बस्टर ढूंढने में लगा है पर कोई लाभ नहीं। बेचारा बस्टर खो गया है और चिंतित हो रहा है। देखो, यह ऐश और उसकी मम्मी है, कोई ऐसा जिन्हें बस्टर जानता है। अच्छा हुआ उसने उन्हें ढूंढ लिया। वे दादाजी के पास जाने में उसकी सहायता कर सकते हैं। आखिरकार बस्टर दादाजी के पास सुरक्षित वापस आ गया। वह जानता है उसे भागकर इतनी आगे नहीं जाना चाहिए था। वह क्षमा मांग रहा है, पर दादाजी उसे क्षमा कर देते हैं। और यह रही नई सॉकर गेम। हुर्रे! आज पार्क में काफी हवा चल रही है। बस्टर और डैडी बस आज मजा करने के लिए यहाँ है। डैडी बस के पास बस्टर को हैरान करने के लिए कुछ है। यह क्या हो सकता है? ओ देखो, यह एक पतंग है। डैडी बस इसे हवा में ऊपर धकेलते हैं। वाह, यह इतना ऊंचा उड़ रही है।
अच्छे से किया बस्टर। देखो यह मोंटी है, गर्म हवा का गुब्बारा। ओह नहीं, हवा का एक बड़ा झोंका पतंग को दूर उड़ा ले गया। यह मोंटी से चिपक गया है और उसने देखा नहीं। चिंता मत करो बस्टर, डैडी के पास एक योजना है। उप्स, ध्यान से डैडी बस। वो अच्छा सिर मारा। गो बस्टर। बैंडेड और एश उलझन में दिख रहे हैं। वे कहाँ जा रहे हैं? बस्टर मोंटी का ध्यान अपनी ओर करना चाह रहा है, पर वो देख नहीं रहा कि वो कहाँ जा रहा है। ध्यान से। ओ नहीं, बस्टर सीधे कीचड़ के एक पोखर में चला गया। वो कीचड़ में फंस गया है। डैडी इसे उठाकर बाहर निकालते हैं। अच्छे से काम किया लड़को। ओहो, सड़क पर एक पेड़ गिर गया है, पर वह उनको रोक नहीं पाएगा। डैडी बस लकड़ी के ऊपर से उड़ के जाते हैं और बस्टर सीधा नीचे से खिसकता है। वाह, बहुत अद्भुत है। जल्दी, वो रहा मोंटी। लगता है डैडी बस के पास एक युक्ति है। कीचड़ का एक बड़ा ढेर है और वे उसके बीच से निकल रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? उन्होंने कीचड़ में पतंग का एक चित्र बनाया है और अंत में मोंटी ने देख लिया कि पतंग उससे लिपटा हुआ है। उप्स। बस्टर को उसकी पतंग वापस मिल गई। धन्यवाद मोंटी। बस्टर इसे फिर से उड़ाता है। फिर बहुत नजदीक घर पर एक खिली धूप वाला दिन है और बस्टर व दादाजी साथ में खेलते हुए मजा कर रहे हैं। मम्मी बस काम पर गई है। क्या बस्टर और दादाजी साथ मिलकर रात का भोजन बना पाएंगे? ओह, सच में कुछ पकाना है। बस्टर बहुत ही उत्साहित है। आओ पकाएं। दादाजी स्टोव जलाते हैं। पर आगे क्या करना है? बस्टर के पास एक युक्ति है। यह चॉकलेट सॉस है। दादाजी को नहीं लगता कि यह रात के भोजन के लिए सही है। आओ रेसिपी को देखते हैं। उन्होंने सारी सामग्री साथ में रख ली है। बस्टर कटोरे में थोड़ा आटा डालकर चालू करता है। वो आराम से बस्टर। उप्स, आटा सभी ओर बिखर गया। अब दादाजी और बस्टर आटे से सने हैं। बस्टर मिश्रण को अंतिम रूप दे रहा है। ध्यान से, मिश्रण सभी ओर ना बिखरे। अच्छा काम बस्टर। उप्स, दादाजी की टमाटर की चटनी फर्श पर चारों ओर फैल गई है। और स्टोव पर क्या हो रहा है? बर्तन उबल रहा है। ओ देखो, इसने दादाजी के चश्मे पर भाप जमा दी और अब वे देख नहीं पा रहे हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। ध्यान से दादाजी। ओ प्रिया, यह बहुत अच्छा नहीं हो रहा। दादाजी और बस्टर सफाई कर रहे हैं पर मम्मी बस काम से घर वापस आ रही है। ओहो, उन्होंने अभी तक रात का भोजन नहीं बनाया, अब वे क्या करेंगे? दादाजी फ्रीजर से कुछ फिश फिंगर्स उठाते हैं। आहा, इससे बस्टर को एक युक्ति सूझी। चॉकलेट सॉस का समय है। मम्मी बस सोच रही है कि बस्टर और दादाजी ने रात के भोजन में क्या बनाया है। जैसे ही वे समाप्त करने वाले हैं, मैं सोच रही हूँ उन्होंने क्या पकाया है। यह फिश फिंगर्स और हरे बीन्स है और चॉकलेट सॉस। क्या तुम्हें यह ठीक लग रहा है बस्टर? वह इसे चक्कर देखता है। स्वादिष्ट। मम्मी भी इसे चक्कर देखती है और यह तो सचमुच स्वादिष्ट है। बस्टर और उसके मित्र डैडी बस के साथ वन में कैंपिंग करके अच्छा समय बिता रहे हैं। डैडी कुछ डरावनी परछाइयां बना रहे हैं उन्हें एक भूतिया कहानी सुनाते हुए। वो मॉन्स्टर तो बहुत डरावना है। फ्यू, चिंता मत करो साथियों, यह डैडी बस ही है। लगता है सोने का समय हो गया है। शुभ रात्रि सबको। डैडी बस आग के लिए थोड़ी और लकड़ी लाने गए हैं। शुभ रात्रि बस्टर। ठहरो, बस्टर क्या कर रहा है? वह आग की लकड़ी से डरावने सीन बना रहा है। स्काउट गहरी नींद में है। याइक्स, वो क्या है? यह बस्टर की डरावनी परछाई है। बेचारी स्काउट।
चिंता मत करो स्काउट, ये तो बस्टर ही था। अब बैंडिट के साथ मजाक करने की बारी है। आहा, डरावनी परछाई ने उसे भी डरा दिया। लगता है बस्टर को नींद आने लगी है। पर बैंडिट और स्काउट के पास एक योजना है। बस्टर शांति से सोया हुआ है, पर वहाँ एक डरावना मॉन्स्टर है। एक और भी। गो बस्टर गो। बस्टर के साथ अच्छा हुआ, अच्छा किया साथियों। वो क्या है? ओ नहीं, ये सच में एक डरावना मॉन्स्टर है। फ्यू, यह डैडी बस थे आग के लिए और लकड़ी लाते हुए। बस एक शाम के लिए बहुत डराना हो गया। इस सारे मजाक ने उन्हें बहुत थका दिया है। डैडी बस बस्टर, बैंडिट और स्काउट को वन में कैंपिंग यात्रा पर ले जा रहे हैं। कैंप को बनाने का समय है। पहले उनको टेंट लगाने होंगे। डैडी दिखा रहे हैं कैसे करना है। वह टेंट को उड़ने से बचाने के लिए पैक गाड़ रहे हैं। देखो, वे टेंट को पकड़ कर रखते हैं। सब हो गया। जबकि डैडी बस आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं, बस्टर और उसके मित्र अपने टेंट लगा रहे हैं। वो क्या था? बैंडिट के पास कुछ मार्शमेलोज़ हैं। स्वादिष्ट। ओ नहीं, बस्टर ने ध्यान से पैक को नहीं लगाया। टेंट ढीला हो गया है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ध्यान से स्काउट। ओहो, यह उड़ा जा रहा है। क्या बस्टर इसे पकड़ पाएगा? स्काउट और बैंडिट सहायता के लिए आते हैं। गो बस्टर, तुम कर सकते हो। आहा, अंत में यह धरती पर गिर गया। ओ प्रिया, फिर से नहीं। डैडी बस ध्यान से। ओप्स, आग के लिए लकड़ी भी उड़ने लगी है। फ्यू, वे ठीक है। अंत में टेंट लगाने का समय है। आओ सुनिश्चित करें कि सारे पैग इस बार ठीक से लगे हैं बस्टर। अच्छा काम। मैं सोच रही हूँ डैडी बस ने आगे क्या योजना बनाई है। वाह, वे मार्शमेलोज़ को भूल रहे हैं। स्वादिष्ट, कितना बढ़िया दिन है। खिली धूप वाला दिन है और डैडी बस बस्टर को बीच की सैर पर ले जा रहे हैं। बस्टर मम्मी बस को विदा कहता है और वे चले। हुर्रे! पर ओ प्रिया, ओटिस उनकी राह रोक रहा है। सड़क बंद है। बस्टर को बुरा लग रहा है, पर लगता है डैडी के पास एक बिल्ली है। यह एक अच्छी झील है और वे मछली पकड़ने जा सकते हैं। बस्टर उदास है क्योंकि वह बीच पर जाना चाहता था। डैडी उसे मछली पकड़ना सिखाते हैं। वाह, अब बस्टर की बारी है। बस्टर ऊब गया है। यह उतना मजेदार नहीं है जितना बीच। डैडी इतने उत्साहित क्यों है? ठहरो, कुछ डैडी के कांटे में फंसा है। यह क्या हो सकता है? वो, डैडी ने एक बड़ी मछली पकड़ी है। यह इतनी बड़ी है, डैडी इतने शक्तिशाली नहीं है। बस्टर साथ में लग कर सहायता करता है। ध्यान से बस्टर। ऊप्स, वे पानी में खींच लिए गए हैं। और मछली को यह बहुत मजेदार लग रहा है। बस्टर और डैडी इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। लगता है उनके पास नई योजना है। मछली नदी में तैर रही है। डैडी फिर से अपना कांटा डालते हैं और मछली फिर से खींचती है। एक बार फिर से खींचातानी हो रही है। देखो, वो बस्टर है नदी में तैरता हुआ। पकड़ लिया। बस्टर ने अपने जाल से मछली को पकड़ लिया। गो बस्टर। डैडी को बहुत गर्व है। अच्छा किया बस्टर। मछली तैर कर दूर चली जाती है। फिर मिलेंगे फिशी। मछली पकड़ना आखिरकार बहुत मजेदार था।
बस्टर अपने घर के बाहर कुछ कीचड़ के पोखरों में स्प्लैश करते हुए मजा कर रहा है। देखो यह दादा बस है। ऊप्स, अब ये दोनों कीचड़ से सने हैं। पर दादाजी के पास एक योजना है। वे बस्टर को कहाँ ले जा रहे हैं? वे कार वॉश पर आए हैं धुलाई के लिए। हुर्रे! लगता है कार वॉश में बुलबुले समाप्त हो गए हैं। आहा, वो रहा साबुन। दादाजी थोड़ी पानी की धार लेते हैं और बस्टर कार वॉश को चला देता है। गो बस्टर गो। ठहरो, दादा बस यह तो बहुत अधिक साबुन हो गया। बस्टर साबुन के बुलबुलों में ढक गया है। कितना मजेदार था। अच्छा मजाक था दादाजी। अब दादाजी की बारी है साफ होने की। लगता है बस्टर के पास एक योजना है। वह अपना बदला ले रहा है। दादाजी साबुन से ढके हैं। वे बहुत ही भोंदू लग रहे हैं। देखो टेरी ट्रैक्टर धुलाई के लिए आया है। वो धीरे करो बस्टर। बहुत अधिक साबुन है। बुलबुले बाहर निकल रहे हैं। ओ प्रिय, कैसी साबुन भरी गड़बड़ है। ओटिस बहुत खुश नहीं दिख रहा। सफाई करने का समय है। कितना मूर्खता भरा दिन था। È una bella giornata di sole a casa di Buster. Oh, guarda! Mamma Bass sta aiutando un gattino con una zampina dolorante. Fatto, sistemato e fasciato. Scout è venuta qui per andare a scuola insieme a Buster. Stanno giocando nell'area giochi. Oh cielo! Scout si è fatta male alla ruota! Buster ha un'idea. Cosa sta combinando? Ha fasciato la gomma di Scout con la carta igienica. Tutto risolto. Ottimo lavoro, Buster. Sembra che anche Ash voglia essere bendato. E adesso Scout vuole farsi fasciare l'altra gomma. Ma Buster ha finito il rotolo di carta igienica. Bandito ha un'idea birichina. Tutti prendono un rotolo di carta igienica. Stanno srotolando il rotolo di carta igienica ovunque. Che caos stanno facendo? Si sono lasciati prendere la mano. Oh cielo, hanno coperto l'intera area giochi con la carta igienica. L'insegnante non sembra molto contenta. Mamma Bassa è venuta a prendere Buster. Si chiede cosa abbia turbato l'insegnante. Buster spiega che stava cercando di aiutare Scout come aveva fatto la mamma con il gattino. La mamma può bendare correttamente Scout. È ora di fasciarla come si deve. Buster e Ash samudra tat par chuttiyan bita rahe hain. Mummy Bus aur Mummy Fire Truck barbecue taiyar kar rahi hai. Aur Buster aur Ash ek adbhut reet ka mahal bana rahe hain. वो लहरें सच में आ रही है। जल्दी, रेत का महल नष्ट हो सकता है। ऐश बचाने आ रही है। वो महल को रेत की एक दीवार से बचा रही है। अच्छा विचार है ऐश। ओ देखो, यह इगी आइसक्रीम ट्रक है। हुर्रे! ओ नहीं, ऐश की दीवार लहरों को नहीं रोक पाई। उन्होंने रेत के महल को नष्ट कर दिया। बस्टर बहुत उदास है। और ऐश के पास इसे बचाने के लिए एक युक्ति है। बस्टर बहुत दुखी है सहायता करने के लिए।
शायद एक आइसक्रीम उसे खुश कर दे। मैं सोच रही हूँ कि वो कौन सा फ्लेवर चुनेगा। वाह, ये तो एक बहुत बड़ी आइसक्रीम है। वो ध्यान से। ऐश अभी भी रेत के महल को ठीक कर रही है। बस्टर ऐश के लिए भी एक आइसक्रीम ले सकता है, पर वह ऐश से खुश नहीं है क्योंकि उसकी दीवार रेत के महल को बचा नहीं पाई। बस्टर केवल अपने लिए ही आइसक्रीम ले रहा है। वो ऐश ने नए जैसा रेत का महल बना दिया। अब बस्टर को बुरा लग रहा है कि उसने ऐश के लिए एक आइसक्रीम नहीं ली, इसलिए वह ऐश को अपनी दे रहा है। ओ, ध्यान रखो इसे गिराना मत। एक यूनि एक और कोन देता है। अब वो आइसक्रीम को बांट सकते हैं। यम यम, स्वादिष्ट। बस्टर के स्कूल में खेल दिवस है। कितना मजेदार है। सबसे पहले 100 मीटर की दौड़ है। अपनी जगह पर तैयार हो जाओ। गो गो बस्टर, वो जीत गया। हुर्रे, यह आसान था। बस्टर स्कूल में सबसे तेज है। अगला है ऊंची छलांग। सबसे पहले स्काउट है। स्कूट स्कूट, वाह, बहुत अद्भुत था। बस्टर को लगता है वह उससे भी ऊंचा कूद सकता है। वो चला। उप्स, चिंता मत करो बस्टर, वह बहुत खुश नहीं दिख रहा। अब अंडा और चम्मच दौड़ है। तैयार हो जाओ और गो। बस्टर सच में जीतना चाहता है। उप्स, बस्टर बहुत तेज जा रहा था और उसने अंडा तोड़ दिया। ओ प्रिय। और ऐश जीत गई है। बहुत अच्छा ऐश। बस्टर हार से खींच गया है। वह सच में जीतना चाहता था। वह इतना दुखी है कि औरों के साथ गेम नहीं खेलना चाहता। वह सच में मजेदार दिख रहा है। बस्टर यह केवल जीतने के बारे में नहीं है। बस्टर यह मजा करने के बारे में है। हुर्रे, अब वे सब साथ में मजा कर रहे हैं। अब तमगे देने का समय है। बस्टर तीसरे नंबर पर है, ऐश दूसरे और स्काउट प्रथम है। सभी ने अच्छा किया। कितना अद्भुत दिन था।